अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं चौड़े पंजे वाले शलवार बनाने वाली हूँ। वो शलवार बिल्कुल आम शलवार की तरह इसकी कटिंग होगी, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी कि हमने इसको क्या करना है। ये शलवार की कटिंग मैंने कर ली हुई है, इसको ये देखें, आपने अपने नाप के मुताबिक कटिंग करनी है। ये मैंने अपने नाप के मुताबिक कटिंग की हुई है। ये देखें, इधर से मैंने 8.5 इंच ये वाला पंचा लिया है, जबकि ये मेरा इधर से 7 इंच तैयार होगा। ये मैंने इसलिए फालतू लिया है कि ये चौड़ा होगा और इसकी कटिंग मैंने इसको ऐसे कपड़ा रखा, ऐसे रख के, और इसकी कटिंग भी इसी तरह मैंने कर ली है। और इसका भी कपड़ा नीचे से आपने 8.5 ही लेने, और ऊपर से आपने बिल्कुल इसी तरह कटिंग करनी है ताकि ये बिल्कुल आपको इसके बराबर मिल जाए। और इसकी चौड़ाई मेरे पांचे की चौड़ाई है 1/2 इंच ऊपर से सिलाई रह जाएगी और 1/2 इंच नीचे से, और 5.5 इंच मैंने लिया है। और इससे ज्यादा चौड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा। और ये आम पजामा, आम शलवार का पांचा 1 इंच या 1/2 इंच होता है, ये 5 इंच 5.5 इंच होगा। अब इसका ये मैं आपको अपनी भी लंबाई बता दूं, आम शलवार की लंबाई है वो मैं 1.5 इंच से रखते हुए मैंने 37 इंच इसकी लेनी थी, लेकिन ये मैंने 1.5 इंच फालतू इसलिए ली है। आपने 1.5 इंच नहीं लेना, आपने कम से कम 3 इंच फालतू ले लेना। मैंने 1.5 इंच कम इसलिए लिया कि मेरा कपड़ा इतना था, आपने 3 इंच फालतू लेना है आम शलवार की नाप से, क्योंकि जब ये चौड़ा पांचा होगा तो इसकी थोड़ी सी चोंट इस साइड से पांचे के ऊपर गिरनी चाहिए, और इसलिए मैं इसका नेफा बहुत कम लूंगी, उतना ही लूंगी जितना इसके अंदर लास्ट तक डाल जाए, क्योंकि इसकी लंबाई पूरी करने के लिए। और इसका तरीकाकार ये है कि ये मैंने इधर से ये कपड़े की कटाई कर ली, ये मैंने पेपर पट्टी इस कपड़े के मुताबिक काट लिया, ये हो गया। अब मैं इसकी सिलाई करूंगी नॉर्मल, इधर तक आसन की सिलाई लगाऊंगी, आसन की सिलाई लगाऊंगी और अपना नेफा बनाऊंगी और इस पेपर पट्टी को इसके साथ चिपकाऊंगी, फिर मैं आगे से बताती हूँ। ये शलवार को मैंने ये पेपर पट्टी चिपका ली है, और चिपका के इधर से मैं हल्की सी इसको इसी की मदद से ऐसे हल्का सा इस तरह करूंगी। इसका मकसद ये है कि ये मुझे पता चल जाएगा कि मेरी हल्की सी ये निशान आ रहा है, मैं इधर तक सिलाई लगाऊंगी। वैसे आम जो डिजाइन हो है बुटीक स्टाइल, उन्होंने ये सिलाइयां नहीं लगाई, लेकिन मैं लगाऊंगी। उसका मकसद ये होगा, एक सिलाई इधर, एक इधर और एक किनारे पे। उसका मकसद ये होगा, जो मैं ये पेपर टी लगा रही हूँ, ये जब धुलेगी शलवार तो ये कट्ठी नहीं होगी, इसलिए मैं 3 सिलाइयां जरूर लगाऊंगी। और ये मैंने चिपका ली है, अब मैं इसको इस कपड़े के साथ इसको चिपकाऊंगी, ये अंदर की तरफ जाएगा कपड़ा। मैंने पेपर टी इसको नहीं लगाई, मैंने शलवार को लगाई है। ये देखें, ये मैंने पांचा एक तैयार कर लिया, इसी तरह मैं दूसरा तैयार करूंगी। तो उसका तरीका ये है, ये देखें, मैंने पेपर टी लगाते वक्त ये कपड़ा एक पैर का छोड़ा हुआ था, उसका मकसद ये था कि मैंने इसको ऐसे इस तरीके साथ इसको मोड़ना है। अब जो मैंने कपड़ा इसके अंदर लगाना है उसको मैंने इधर रखना है, इधर रखते हुए ये जो पेपर पट्टी वाला हिस्सा है शलवार का, वो मैंने इधर ऐसे सिलाई के लिए रख लेना है। और रखते हुए मैंने ये देखना है कि ये मेरा नीचे वाला हिस्सा एक एक इसके पैर की सिलाई लगनी चाहिए। इसको मैंने ये सिलाई लगाते हुए साथ जोड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, और इसकी सिलाई बिल्कुल किनारे पे ऐसे लगानी है कि ये इसकी सफाई भी आए
और ये जो कपड़ा है ये साथ चिपक जाएगा और सिलाई मेरी एंड तक ऐसे खत्म हो जाएगी जब, तो मैंने इसको ऐसे पकड़ के इस तरह सिलाई लगा लेनी है लगेगी। तो मैंने इसको इसरी की मदद से इसको ऐसे सिलाई को अंदर करते हुए ऐसे ऐसे, तो मैंने इसी को ऐसे बिठा लेना है इसके साथ। अब ये मेरे पास तो इधर जिसको कन्नी कहते हैं वो है, तो मैं इसको ऐसे अंदर डबल नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने थोड़ा सा ऐसे अंदर डबल कर लेना है कि ये इसके से धागे ना निकले। और ये जब मेरी इस तरह हो जाएगी तो मैंने इधर से ऐसे एक दफा इधर से भी नीट कर लेना है इसी के साथ, ताकि ये मेरी चीज है जो ये बिल्कुल सीधी हो जाए। अब मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा मामूली सी ऐसे इसी की मदद से ऐसे निशान बना लेना है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी पेपर पट्टी इधर तक है, ठीक है। और अब मैं सिलाई इधर किनारे किनारे पे लगाऊंगी। सिलाई लग गई है और इधर से भी साथ कपड़ा चिपक गया। अब मैंने इसको इस सिलाई की मदद से इस तरह ऐसे ऐसे कर लेने, ताकि मेरी ये दरमियान में सिलाई लगे और बिल्कुल परफेक्ट लगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया साइड सिलाई, और ये मेरी शलवार कुछ इस तरह नजर आएगी। देखिए थोड़ी डिफरेंट है, और शलवार की शलवार है, नीचे से पांचा थोड़ा तंग है, लेकिन ऊपर से आपको ये लूज मिलेगी, क्योंकि ये 30-40 साल की उम्र की भी औरतें पहन सकती हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये कोई बुरा लगेगा या आपको कुछ अच्छा फील नहीं होगा। ये बच्चियां भी पहन सकती हैं और बड़े भी पहन सकते हैं। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।